हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप अग्निवीर की रिजल्ट के लिए वेट करें तो यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है अग्निवीर रिजल्ट को लेके। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो 2024 में आपकी रिजल्ट आने वाला है, उसकी डेट मैं बताऊँगा। कल मैंने बताया था कि आपका जून में आएगा, सभी बोल रहे हैं मई में आएगा, मई में रिजल्ट आपकी नहीं आएगा ड्यू टू इलेक्शन आपकी मई। देखिए सभी इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो अग्निवीर का जो डिटेलमेंट दिया था ना, वहाँ पर अप्रैल है, यहाँ पर दिया था कि सेना अग्निवीर परिणाम यानी रिजल्ट दिनांक मई 2024, बस इसकी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है क्योंकि 4 जून को आपका रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि डिफेंस को यहाँ पर इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो मैं उन ज्ञानी लोगों को बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने दिमाग खोल के कश्मीर की तरफ भी देख लो, जम्मू की तरफ भी देख लो, वहाँ पर CRPF और इससे ज़्यादा फौज काम करवाते हैं इलेक्शन में। अगर आपको नहीं पता तो फालतू की कमेंट्स मत करिए। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आर्मी सर ऑफिशियल है उसका नाम, ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, जो ओवरव्यू है अभी डिटेलमेंट के हिसाब से, कि आपकी जो जून 15 तक आएगा, मिड ऑफ जून आपकी रिजल्ट आएगा, 15 से पहले आ जाएगा, 15 के बाद की पॉसिबिलिटी नहीं है, 15 से जून 15 से पहले पहले आपकी आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो रिजल्ट की जो कटअप सूची है वो भी जून महीने में आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए आज 4 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ, 6 तारीख को या 5 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद अगले ही दिन आपको, उसी दिन तो नहीं आएगा, अगले दिन, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया बेसिस पर आएगा, सारे ARO का एक साथ नहीं आएगा। आज कुछ ARO का आएगा, आज 50% आएगा, कल 50% आएगा, आज 50 कल 50, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन में सारे सर्वर में नहीं डाल सकता, सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो 50-50 डालेगा, आज कुछ ARO में, कल कुछ ARO में, और परसों से आपकी जो कटअप का लिस्ट है आपको यहाँ पर दे देगा। GD के लिए कितना कटअप, नर्सिंग के लिए कितना कटअप, सिपाही फर्मा के लिए कितना कटअप, सारे का कटअप आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड www.joinindianarmy.nic में वहाँ पर पब्लिश कर दिया जाएगा कि कटअप कितना आएगा, वो एक्सपेक्टेड कटअप होगा। शायद इस बार आपको पहले तो नहीं देता है कटअप कितना गया है, लेकिन इस बार प्रॉबिलिटी है कि हमने एक आपको डिटेल बना के दिया था कि 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपका इस बार सही है तो आपको प्रॉबिलिटी चांसेस है कि आपको फिजिकल और एडेप्टेबिलिटी की तैयारी कर दीजिए, आपको पक्का बुलाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी यहाँ पर सेना अग्निवीर मेरिट सूची 2024 रिलीज़ की तारीख जून 2024, यानी ये बोल रहा है कि जो आपका फिजिकल हो गया, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो गया, इनकी जो भी सूची है वो जून में आपकी मेरिट लिस्ट निकाल देगा कि भाई ये चीज़ें। यानी जो जुलाई में आपको मैंने उस दिन बताया था UP में रैली हो रहा है, जुलाई में राजस्थान में रैली हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस है यहाँ पर कि जून में आपकी बेहतर मतलब काम हो जाए, आपकी रिजल्ट भी आ जाएगा, उस टाइम फिजिकल भी हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर मैंने जो आपको 3 महीने का टाइम दिया था उसके अंदर आप डिस्पैच हो जाओगे ट्रेनिंग के लिए। दूसरा भर्ती अगर सितंबर से पहले आप लोग डिस्पैच हो जाते हो ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तो यहाँ पर 99% चांसेस है कि आपका जो अग्निवीर स्टेज 2 का भर्ती है, यहाँ पर 25,000 की पोस्ट की वैकेंसी है, तो हो सकता है अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में एक प्लान हो सकता है अग्निवीर स्टेज 2 का वैकेंसी, जो भी 25,000 से 40,000 की पोस्ट में रखा जा सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आएगा उसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भी आएगा, सिपाही फार्मा भी आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं मई लास्ट में आएगा, बहुत मुश्किल है, आपकी जून की मिड यानी 15 से पहले आएगा। दूसरा आपकी कटअप का लिस्ट जून में मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ कर दिया जाएगा, आपकी मेरिट सूची कि किस किस का कट ऑफ वहाँ पर गया है, फिजिकल और जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट किस किस का हो गया, उनकी कितनों कितनों की हो चुका है, वो भी पब्लिक कर दिया जाएगा कि भाई ये फिट है। तो फाइनल जो एक मेरिट लिस्ट निकलता है ना, वो तो उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मेरिट बोल रहा है ये सिर्फ आपका फिजिकल, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का और जो रिटिन दिया था, इन तीनों को मिला के वहाँ पर एक शॉर्ट लिस्टिंग होगा कि हाँ ये बंदे मेरिट के लिए रेडी है, और मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आपके अलग से निकलेगा अगले महीने में। तो मेरिट लिस्ट में जाने के लिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि आपको हमेशा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा रिटिन में, GD हो तो फिजिकल और रिटिन में। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना। दूसरा वीडियो आ रहा है, अग्निवीर को एक बहुत राहत मिला इनकम टैक्स को लेके, उसकी वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखना ना भूलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।